बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। 3.4 क्वेश्चन 1 और उसका पार्ट 3 हम देखते हैं। इसमें हमारे पास दो फंक्शंस का प्रोडक्ट हमें नज़र आ रहा है। इसको देखकर, प्रोडक्ट को देखकर हमें अंदाज़ा होता है कि हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज़ करना है। तब यहाँ पर दो फंक्शन हैं, पहला फंक्शन एक्स है, दूसरा एल एन एक्स है। तो यहाँ पर एल एन एक्स दूसरा फंक्शन दिया हुआ है ना, तो हमें पता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रूल उस वक्त अप्लाई होता है जब नेचर लॉग एक्स फर्स्ट फंक्शन हो। इसलिए हमने यहाँ पर इनकी तरतीब चेंज की है, देखें, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो तरतीब चेंज कर सकते हैं हम। एल एन एक्स हमारा फर्स्ट फंक्शन हो गया और एक्स सेकंड फंक्शन हो गया। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट में क्या होता है, ये आपको मैंने पिछले सवाल में बताया था। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो उस रूल को दोबारा लिखें कि फर्स्ट फंक्शन सेम आ जाएगा, तो फर्स्ट फंक्शन एल एन एक्स सेम हो गया। और जो सेकंड फंक्शन है यहाँ पर, वो क्या है, एक्स। सेकंड फंक्शन का क्या हो जाता है, इंटीग्रल हो जाता है। फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल। उसके बाद हम माइनस लगाते हैं, इंटीग्रल का साइन यूज़ करते हैं, माइनस लगाते हैं और इंटीग्रल का साइन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माइनस भी लगा हुआ है और जो इंटीग्रल है उसका साइन भी लगा हुआ है, ठीक है, माइनस और इंटीग्रल का साइन। ये दोनों काम करने के बाद क्या करते हैं हम, जो सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल था वो सेम आ जाता है। ये इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन सेम आ गया। तो ये देख लें, ये हमारे पास इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन था ना, ये यही चीज़ सेम आ गई है, ठीक है, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन सेम आ गया। उसके बाद फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव होता है। तो यहाँ पर आप देखें, ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव है। फिर रूल को मैं रिपीट कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन बाय पार्ट जब हम यूज करेंगे, फर्स्ट फंक्शन सेम और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल। इसके बाद हम माइनस लगाएंगे, माइनस के बाद इंटीग्रल का साइन लगाएंगे, फिर सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल जो था वो सेम आ जाएगा। सेकंड फंक्शन का जो इंटीग्रल था सेम आ जाएगा, जो अभी हमने मालूम किया था उसको हम सेम लिख देंगे। उसके बाद फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव आएगा। यहाँ पर अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट का जो रूल है अप्लाई हो गया। इसके बाद बाकी जो काम है वो हम ऑलरेडी जानते हैं, वही करेंगे। अब देखें आप, तो हमारे पास एल एन एक्स वैसे ही आ गया, इंटीग्रल है एक्स का, तो एक्स का इंटीग्रल फाइंड करने के लिए हमें पावर रूल लगाना पड़ेगा ना। ये पावर रूल है जो आप जानते हैं, 3.2 में आपने सीखा था। तो इसमें क्या होता है कि एक्स की पावर में प्लस वन करते हैं और उसी पावर से डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास एक्स है, इसका मतलब एक्स की पावर कितनी है, वन। वन में प्लस वन किया, टू हो गया, टू से डिवाइड भी कर दिया, यानी कि एक्स की पावर टू हो गई और टू से डिवाइड कर दिया। उसके बाद माइनस और इंटीग्रल के अलावा, अब ये एक्स का इंटीग्रल, ठीक है जी, ये जो एक्स नजर आ रहा है आपको, उसका इंटीग्रल फिर वही एक्स स्क्वायर बाय टू, ये वाला सेम आ गया, ठीक है, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन सेम, तो ये वो सेम आ गया। उसके बाद फर्स्ट फंक्शन जो है एफ एल एन एक्स का डेरिवेटिव हमें नजर आ रहा है, तो एल एन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन ओवर एक्स, वो लिख लिया हमने। अब इसको मजीद लिखते हैं, तो यहाँ जो सिंप्लीफिकेशन हो रही है वो की, तो हमारे पास ये रकम आ गई, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ये वाला जो टू है इसको इंटीग्रल से बाहर लेकर जा सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट को इंटीग्रल के बाहर लेकर जाया जा सकता है, तो वही किया हमने। बाकी रकम जो है वो ये बच गई। तो यहाँ पर जो इंटीग्रल हमने फाइंड करना है वो सिर्फ किसका है, एक्स का, बाकी रकम सेम आती जाएगी। एक्स का इंटीग्रल फाइंड करने के लिए हमें वही पावर रूल लगाना पड़ेगा। ये पावर रूल का फॉर्मूला है, क्या है पावर रूल, पावर में वन प्लस करें
और न्यू पावर से डिवाइड कर दें। तो यहाँ पर एक्स की पावर 1 है, तो हमने 1 में 1 प्लस किया तो 2 हो जाएगा, तो ये एक्स की पावर 2 हो गई, और ये 2 से डिवाइड भी कर दिया। तो अब हमारे पास, और फिर अब क्योंकि इंटीग्रेशन ख़त्म हो गई है, इसलिए प्लस कांस्टेंट सी भी हमें करना पड़ेगा ना, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इन सवालों को बार बार देखें, खुद हल करें सवालों को, तो इंशाल्लाह आपको ये चीज़ें आ जाएंगी। अभी आपको थोड़ा सा ये मुश्किल फील हो रहा होगा, क्योंकि ये काम आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, लेकिन इसको जब आप बार बार देखेंगे और खुद हल करेंगे, और वर्किंग रूल जो मैंने आपको बताया है उसको उसी अंदाज में याद करेंगे, तो आपके लिए इसको अप्लाई करना आसान हो जाएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।